हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। हैमेस्टर कॉम्बैट माइनिंग के अंदर आखिर क्या चल रहा है? तो दोस्तों, हैमेस्टर कॉम्बैट माइनिंग के अंदर मेरा लेवल अप हो चुका है, 9 लेवल हो चुका है और मेरे जो कॉइन है वो 100 मिलियन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर और भी कार्ड जो है वो लॉन्च करे, तो इसके बारे में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। मेरा लेवल यहाँ पर किस तरह से हुआ और आपका लेवल किस तरह से होगा और इनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों, तो वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। चलिए फटाफट अपडेट को स्टार्ट करेंगे। अगर आप इनके ऑफिशियली अकाउंट के ऊपर आएंगे तो इन्होंने यहाँ पर हैमेस्टर कॉम्बैट माइनिंग के बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड कर रखे हैं और इनके जो यहाँ पर रैंक है, रैंक भी बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखेंगे 88.8 के जो इनके व्यूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर यानी कि एक्स अकाउंट के ऊपर आ रहे हैं। आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइनिंग है माइनिंग के ऊपर विजिट करेंगे। तो चलिए मैं हैमेस्टर कॉम्बैट माइनिंग के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर प्ले नाउ के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरी माइनिंग है वो यहाँ पर इनेबल हो रही है एंड यहाँ पर ओपन हो रही है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने टोकन को क्लेम करते हैं जब भी आप इस पर विजिट करते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो रैंक है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई, यानी कि मेरी रैंक यहाँ पर हो चुकी है 9 कॉइन पर यहाँ पर टैप पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर लेवल का आइकन था वो यहाँ से हट गया। अन पर टैप पे यहाँ पर मुझे जो है कॉइन मिलने वाले वो 9 कॉइन मिलने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका कॉइन है वो आपका लेवल यहाँ पर 9 लेवल का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कि माइनिंग के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर माइनिंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई आपका यहाँ पर लेवल अप होने के लिए कोई कार्ड यहाँ पर इन्होंने ये वाला इनेबल तो नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्पेशल है स्पेशल पे जाएंगे, स्पेशल पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कितने सारे को यहाँ पर कार्ड हो चुके हैं। अब इन कार्ड का क्या यूज़ कैसे ये तो बाद में पता चलेगा दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे न्यू जो कार्ड है, न्यू कार्ड इन्होंने यहाँ पर 4 अवेलेबल किए हैं। तो 4 न्यू कार्ड यहाँ पर अवेलेबल किए हैं, तो इन कार्ड का यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और किस किस चीज़ों से ये कार्ड इनेबल होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका 15 लेवल है, 15 लेवल आपका यहाँ पर होना चाहिए जो कि UI लेसन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम आपके जो फ्रेंड है उसका 8 लेवल होना चाहिए तो आपका ये वाला कार्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे एक फ्रेंड आपको यहाँ पर इनवाइट करना है तो ये वाला कार्ड यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे माई गेन ट्रेडिंग 50, यहाँ पर अप टू यहाँ पर 15 होना चाहिए तो ये वाला कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये कार्ड अभी यहाँ पर लॉक है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर इनेबल होते हैं तो वैसे ही मैं आपको एक अपडेट प्रोवाइड करूँगा। लीजेंड में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका KYC वगैरह का सब यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है एंड यहाँ पर एक एक लेवल मैंने सब में यहाँ पर इंक्रीज़ कर रखा है। जो ओपन नहीं हुआ तो उसकी बात एक अलग है, ठीक है। यहाँ पर A to Z जो भी यहाँ पर ओपन है उनमें सब में मैंने लेवल इंक्रीज कर रखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा PR and Team का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये आपकी टीम के ज़रिए से आपको यहाँ पर मिली हुई चीज़ें हैं जिनका इनका लेवल भी आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी इसका लेवल इंक्रीज़ कर लिया है एंड यहाँ पर भी अपडेट आपको प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे सभी में मेरा यहाँ पर लेवल अप है एंड ये वाला यहाँ पर जो टास्क है वो अभी यहाँ पर इनेबल हुआ। तो क्या करूँगा, मैं गो हेड पर क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ पर मेरा एक लेवल हो जाएगा। एंड यहाँ पर मार्केटिंग पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मार्केटिंग के बटन पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपके कुछ लेवल दिए गए हैं, तो ये लेवल भी आप यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। आप यहाँ पर अगर फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो फ्रेंड को इनवाइट करने का और ज़्यादा आपको यहाँ पर बोनस मिलता है। तो अगर आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए क्योंकि यहाँ पर इनवाइट करने का ही आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। एंड यहाँ पर अर्निंग वाले सोर्स पे जाएंगे तो डेली टास्क आपको यहाँ पर कंप्लीट करते रहना है एंड यहाँ पर एडोब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एडोब वाला सेक्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखेंगे जो इनका ऑफिशियली अकाउंट है दोस्तों, उस पर इन्होंने कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं प्रोवाइड किया। तो फटाफट चलिए यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने आ रहा है एक दिन आ रहा है अपडेट का, एक दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है। तो दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपका यहाँ पर नहीं आया। तो दोस्तों, टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा,
क्योंकि टेलीग्राम के अंदर ही आपको न्यू प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे बब्बल का, बब्बल में आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, तो अगर आपसे वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर कॉमेंट करेंगे वीडियो के बायो में। एक ये वाला एयरड्रॉप मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे ये भी एयरड्रॉप बहुत ही गजब एयरड्रॉप है और इसमें भी आपको अपने टास्क ही कम्प्लीट करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे जो कि सोलाना चैन से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एंड जब रजिस्ट्रेशन होगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, तो चलिए मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपका लॉगिन कैसा होगा, जहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस आ रहा है तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देंगे एंड यहाँ पर लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा कंप्लीट। ये बोल रहा है कि लॉगिन टू योर जो KTC टोकन है उसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड यहाँ पर आए हैं उनका इंटरफेस दिखाएगा एंड यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने कितने टोकन यहाँ पर क्लेम कर लिए। तो दोस्तों ये भी ठीक ठाक यहाँ पर प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वायरी अगर रह जाती है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कॉमेंट करेंगे ताकि आपका रिप्लाई हम यहाँ पर जल्द से जल्द कर सकें, ताकि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।